भगवान ने कहा है, अगर कोई मेरी नजरों में बने रहना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं उससे प्रेम करूं, कोई चाहता भगवान उससे प्रेम करें, तो उसको तीन काम करने चाहिए। ध्यान से सुना, ये बात मैं नहीं कह रही, खुद भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी में। मैं किसी से प्रेम करूं और उसको कभी ना छोड़ू जीवन भर, इसके लिए तीन काम करने पड़े। जो जो चाहता भगवान हमें कभी ना छोड़े, वो इन तीन कामों को मत छोड़ना, तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। वो तीन काम कौन से हैं? भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम। जो मेरी कथा का नित्य वाचन करता है, मेरी कथा रोज कहता है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान की कथा गाने वाला जो रोज भगवान की कथा कहे, कहने का मतलब ये नहीं कोई पंडाल लगा के, टेंट लगा के, बड़ी व्यवस्थाओं में कहे। मान लो कोई दो चार आदमी बैठे, उनको भी जाके अगर भगवान की बातें बताने लगा तो एक कथा ही है। उनको कहने लगा, भैया भजन किया करो, माला क्या करो, ये कथा है। तो मत कथा वाचकम नित्यम, पहला व्यक्ति जिसको भगवान कभी नहीं छोड़ते, अपने से दूर नहीं करते, वो कौन है? जो भगवान की कथा रोज कहता है। दूसरा कौन है? मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा व्यक्ति जिसको भगवान कभी नहीं छोड़ते, वो है श्रवणे रतम, जो नित्य भगवान की कथा सुनता है, उसको भगवान अपने आप से कभी दूर नहीं करते। तो पहला, जो भगवान की कथा कहता है, दूसरा, जो भगवान की कथा सुनता है, और तीसरा, मान लीजिए ना तो कोई रोज कहने वाला मिल रहा है, ना कोई रोज सुनने वाला मिल रहा है, तो फिर क्या करें? तो भगवान कहते, मत कथा प्रीत मन सम। जो ना मेरी कथा बोल पा रहा है, ना मेरी कथा रोज सुन पा रहा है, लेकिन जिसको मेरी कथा से प्रेम हो जाए, उसको कथा सुनने की मन में लालसा बनी रहे कि हाँ भैया अब कथा होगी, अब हम कथा सुनेंगे, मन में भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, भगवान की कथा में मन लगा रहे, तो समझो उसको भी भगवान कभी अपने आप से दूर नहीं करते। कथा सुनने को नहीं भी मिल रही है, पर मन में आशा बनी हुई है कि काश हमें भगवान की कथा मिल जाए, भगवान की कथा से प्रेम होने लगे, तो ये भगवान को तीन लोग प्यारे हैं। तो दो तो हम हैं ही, कह भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तीसरा और करना है कि हमको कथा से लगाव हो जाए। शास्त्र कहते हैं, जीवन के कुछ समय ये सत्संग के ही ऐसे होते हैं जब असल में हम जीते हैं, बाकी दुनियादारी में तो बस समय काटना होता है। असल में जीना यही होता है, जो जीना भगवान की शरण में हो, कथा में हो, बाकी तो खाना पीना सोना कमाना खेत पे जाना नौकरी करके आना, भाई यही सब जीवन। लेकिन असली जीवन क्या है? असली जीवन है जो आप यहाँ बैठ के अब 7 दिन जियोगे, और इससे जो सीख करके अपने जीवन में फिर थोड़ा जो भजन पूजा जो अपनाओगे, वो है असली जीवन।